तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग फुल एचडी में हैलोजन्स का लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ। और मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएंगे? एडिलीन। यहाँ पे तो आज हम लोग फुल एचडी में रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ेंगे। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। यहाँ पर अमोनिया लिख दी है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम लोग क्या पढ़े? केमिकल प्रॉपर्टी जो हेलोएरिक्स। तो हेलोएरिक्स में रिएक्शन का शुरुआत कौन करता है? क्लोरोबेंजीन। कौन करता है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरोबेंजीन ले ली। ये हो गया मेरा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे। किस साथ करेंगे? अमोनिया के साथ। ये हो गया मेरा अमोनिया। अब अमोनिया हो गया। अमोनिया बोलता है भैया हम अकेले नहीं आएंगे। तो पूछे किसके साथ? तो बोलता हूँ कॉपर के साथ। मतलब क्यूपरस ऑक्साइड भी लेना पड़ेगा हूँ। और कल हम लोग जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एल्कोहलिक एसिड के साथ करते थे तो टेम्परेचर कितना लेते थे? 473 केल्विन। कितना? 473 केल्विन। यहाँ पर भी टेम्परेचर 473 केल्विन ले लिए। अब प्रेशर हम लोग 60 एटीएम लेंगे, मतलब 60 एटीएम। यहाँ पर प्रेशर भी कितना लेना पड़ेगा हमको? 60 एटीएम। और एटीएम किसका यूनिट है? प्रेशर का। किसका यूनिट है? प्रेशर का। और केल्विन टेम्परेचर का। देखो कॉपर का कितने एटम है? 2 एटम। यहाँ पर 2 से गुना कर दो, ये 2 है, फिर यहाँ 2 से गुना कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन आखिर होगा कैसे। अब हम लोग ट्रिक लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ तोड़ के नहीं दिखाते, क्योंकि लेंदी हो जाता है। इसको थोड़ा इजी वे में करके दिखाते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का कितना मोल लेना है? 2 मोल। यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन बना दिए और ये हो गया मेरा एक और क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पहले क्यूपरस ऑक्साइड के साथ करते हैं। ठीक, ये हो गया मेरा Cu2 और ये हो गया मेरा O। ओके, फिर मेरा 2 अमोनिया। कितना अमोनिया है? 2 अमोनिया। यहाँ पर हो गया अमोनिया को फैला कर लिखोगे तो HNH2 और ये हो गया मेरा HNH2। और टेम्परेचर यही है 473 केल्विन और 68 एटीएम। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेटल। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन दिल बनाते हुए वाटर निकालते। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? वाटर। यहाँ पर वाटर लिख दी। ओके, अब कॉपर क्या है? मेटल। 2 कॉपर है। अब क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। और मेटल को? नॉन मेटल। देखो यहाँ पे 2 कॉपर 2 क्लोरीन को लेकर भाग गया। 2 कॉपर 2 क्लोरीन को लेकर भाग गया। अब देखो मामला, कॉपर 2 था तो यहाँ पर कॉपर 2 लिख दी। ओके, अब एक कॉपर के साथ एक क्लोरीन, फिर एक कॉपर के साथ एक क्लोरीन। देखो एक CuCl एक CuCl, कितना CuCl बन गया? 2 CuCl। यहाँ पर लिख दिए 2 मोल CuCl। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ छूछे बेंजीन का रिंग बचा है और एक बेंजीन 2 बेंजीन। तो यहाँ पर छूछे 2 बेंजीन बना दिए, बन गया। देखो यहाँ पर एक बेंजीन पर NH2, फिर एक बेंजीन पर NH2, तो 2 बेंजीन पर NH2। यहाँ पर 2 मोल लिख दिए और बेंजीन पर क्या लगा दिए? NH2। अब बेंजीन के रिंग से जब सीधा जुड़ा हुआ हो अमाइन ग्रुप, सीधा जुड़ा कौन हो? अमाइन ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं? अनिल बाबू। क्या बोलते हैं? अनिल बाबू। और अनिल बाबू बोले तो एनिलीन। क्या होगी ये हमारा? एनिलीन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। देखा यहाँ पे ये मैकेनिज्म है।
ठीक है, इसी को हम बॉन्ड तोड़ करते तो प्लस माइनस या दो माइनस इस तरह करते, उस तरह नहीं किए, और इजी वे में कर दिए ताकि लेंदी हो जाता, प्लस माइनस पता चलता करने की गैस, इस तरह पता चल रहा है। हाइड्रोजन को क्या पसंद है? ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया? वाटर। और दो कॉपर दो क्लोरीन मिलकर क्या बना लिया? दो मोल क्यूब्रस क्लोराइड। अब दो ठो बेंजीन दो NH2 के साथ जुड़कर दो मोल एनिलीन बना लिया। एक बोलो जा क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन, क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन अमोनिया और क्यूब्रस ऑक्साइड के साथ करते हैं, अमोनिया और क्यूब्रस ऑक्साइड के साथ करते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर पर, 473 केल्विन टेम्परेचर पर और 60 एटीएम प्रेशर पर, 60 एटीएम प्रेशर पर। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनता है, एनिलीन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्यूब्रस क्लोराइड और वाटर बनता है। ये रिएक्शन है सो आया हुआ कन्वर्जन के रूप में। कन्वर्जन क्या पूछते हो? देखो यहाँ का कन्वर्जन की कन्वर्ट क्लोरो बेंजीन टू एनिलीन। देखो यहाँ ये क्लोरो बेंजीन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? एनिलीन। तो जब कभी क्लोरो बेंजीन से एनिलीन बनाना हो तो रिएजेंट के रूप में दोनों को लेंगे, आप टेम्परेचर इतना लेंगे और प्रेशर इतना लेंगे, और कन्वर्जन में कभी भी बाय प्रोडक्ट को हम लोग नहीं दिखाएंगे, समझ रहे बात? घबराना नहीं इसमें, ठीक है? हाँ, अब लिखने बोलो वे क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन इज रिएक्टेड विद, इज रिएक्टेड विद अमोनिया, अमोनिया एंड क्यूप्रस ऑक्साइड, एंड क्यूप्रस ऑक्साइड एट द टेंपरेचर ऑफ, एट द टेंपरेचर ऑफ 473 केल्विन, 473 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ, एंड प्रेशर ऑफ 60 एटीएम, 60 एटीएम देन एनिलीन इज फॉर्म, एनिलीन इज फॉर्म। यहाँ पर कौन कन्वर्जन बन रहा है? क्लोरो बेंजीन टू एनिलीन। तो रिएजेंट क्या लेंगे? अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना लेंगे? 473 केल्विन। प्रेशर 60 एटीएम। कितना? 60 एटीएम। तो क्लोरो बेंजीन किसमें बदल जाएगा? एनिलीन। रड़ाएगा नहीं, कभी नहीं रड़ाएगा। यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? एनिलीन। क्या बन रहा है? एनिलीन। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर वन, एनिलीन इज फॉर्म, एनिलीन इज फॉर्म। इस तरह हमारा हेलोएंज का रिएक्शन पूरा फुल एचडी में क्या हो गया? खत्म। अब पूरा रिएक्शन खत्म हो चुका, हेलोएंज भी खत्म है, हेलोएंज भी खत्म। अब साइडेड पॉइंट जो बचा है वो पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको कहते हैं, समझो? एग्जाम में जनरली एक भी क्वेश्चन पूछता है, वैसे वो एक्स्ट्रा पॉइंट में ही है। जब से लॉकडाउन लगा था तो वो सब पॉइंट जनरली पढ़ाया नहीं जाता, समझा? मतलब दो तीन साल उसको पढ़ाए नहीं रहे, पिछला साल फिर भी हम पढ़ाए थे, समझा? उसको पढ़ना नहीं था, पिछला साल फिर भी पढ़ाए थे। तो इस तरह हमारा फुल एचडी क्या हो गया? हेलोएरिंग खत्म। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबा पे ख्याल रखना।